नमस्कार, स्वागत है आपका। और हम पहुंच चुके हैं जनपद ललितपुर के मोहल्ला आजादपुरा वार्ड नंबर 16 में। और जैसा कि हमने यहां की जो चुनाव के पहले हकीकत जानी थी कि क्या कुछ इनके विकास के मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ वर्तमान हालात थे और उसके बारे में जानकारी भी ली थी और किस तरह उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो विकास होगा वो हम कराएंगे। आज मतगणना होने के बाद आज जीत हासिल ये कर चुके हैं, जो कि इनका चुनाव चिन्ह त्रिशूल यहाँ पे था। तो आज आप देख सकते हैं कि जो प्रत्याशी प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद है, थोड़ा सा मुझसे जानेंगे और अब क्या कुछ यहाँ पे धरातल पर लाएंगे और क्या कुछ आगामी यहाँ के नतीजे होंगे और किस तरह जो मोहल्ले में समस्याएं हैं, चाहे वो कैसी भी समस्या हो, पानी की समस्या हो गई, बिजली की समस्या हो गई, सड़कों की समस्या हो गई, नाला नालियों की भी समस्या हो गई, तमाम जो समस्याएं लोगों की होती हैं, किस तरह उनको निदान बनाए, तमाम योजना उन तक पहुंचाने का काम करेंगे वो भी हम जानेंगे। जी भाई साहब, स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई आपको। आपके चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप हमें बताएं कि जो लोगों की मनसानुसार जिस तरह लोगों ने आपको समर्थन किया है, किस तरह आप खड़ा उतरे रहेंगे? सबसे पहले तो आज तो कम से कम आज हमारे वार्ड ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, तो उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आशा रखते हैं कि जिस विश्वास से उनने हमें विश्वास जताया है उसी विश्वास पर खड़ा उतरेंगे। अब प्रत्याशी जो थी अब वो पार्षद हो चुकी हैं, जो कि शिवानी, श्रीमती शिवानी जो चुनाव लड़ रही थी, उनका क्या कुछ कहना, किस तरह वो समर्थक, किस तरह जो समस्या है उन तक जो निदान उन समस्याओं से करने का काम करेंगी और जो तमाम योजनाएं हैं जो मूलभूत सुविधाएं लोगों के पास पहुंच जाए वो किस तरह पहुँचाई जाएंगी, थोड़ा सा हम ये भी जानेंगे, पास आ जाए थोड़ा। जी बताएं। बाढ़ वासियों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे ऐतिहासिक जीत दिलाई उन्होंने, उनसे जो वादे किए थे वो मैं पूरा करूंगी। जैसे वो कोई भी समस्या हो गई, जैसी भी समस्या है। हाँ, जैसे कि पहले हमारे पास जो कि अभी गर्मियों का मौसम भी था और एक दिन हमारे पास ऐसी भी वीडियो आई, लोगों ने भेजा कि वहाँ पे बहता हुआ गंदा पानी सड़कों पे देखा जा रहा था, जमा हुआ था वहाँ पे पानी, तो इन सब समस्याओं को भी गंभीरता से लिया जाएगा और इनको भी निदान करने का क्या आपको लगता है कि काम होगा ये सब? जी सर, मैं पूरा करवाऊंगा। थोड़े यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद है, समर्थक भी, उनको कह सकते हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे आगामी नतीजे होंगे। जी भाई साहब, क्या कुछ लगता है आपको, उम्मीद क्या कुछ लगती है कि जिस तरह इनको जीत हासिल हुई है, क्या इस तरह ये विकास करेंगे? बहुत बढ़िया जीत हुई है, अच्छी जीत हुई है और पूरा जो काम करें पब्लिक चाहेगी वो पूरा काम करेंगी। कुछ माताएं भी है, थोड़ा सा इनसे भी जानेंगे। जी आपको क्या लगता है? हम नौकरी करते हैं, इनसे बोलवा एन करेंगे वो सब काम करेंगे। अच्छा, तो लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतरने का ये प्रयास करेंगे जैसा कि इन्होंने कहा, तो यहाँ पे कुछ और उनके समर्थक। जी भैया, क्या लगता है आपको, अब काम होगा प्यार में चले हमारा? उम्मीद जागी है? हाँ जागी है भाई साहब, होगा होगा काम। जैसे कि इन्होंने कहा कि उम्मीद एक नई जागी हुई है और जो कि यहाँ पे परिवर्तन की लहर बहाई गई है और यहाँ पर जो जीत इन्होंने हासिल की है, काफी इनको समर्थन लोगों का मिला हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आगामी नतीजे और किस तरह लोगों की मुहिम पर और सरकार की तमाम योजनाओं की मुहिम पर ये खड़ा उतरे रहेंगे और जो तमाम जो समस्याएं हैं लोग उनसे जूझते हैं उनको किस तरह उनसे छुटकारा दिलाने का भी काम करेंगे और सरकार की जो तमाम योजना है उस पर धरातल पर उतारने का किस तरह यहाँ पे काम किया जाएगा वो भी हम आपको लगातार यहाँ की जमीनी हकीकत दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।